हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत 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 ही अच्छे हो। मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह के बजे हैं 8 और मैं नहा धोकर के रेडी हो चुकी हूँ एकदम से। और कोलकाता में पहुंच परसों आ गए थे, एक पूरा फुल डे रेस्ट किया, लगेज अनपैक, वॉशिंग वगैरह सारा सब कुछ 70% कंप्लीट कर लिया है। और कुछ बचा है वो भी धीरे 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 कर लूंगी। अभी चाय पीऊंगी, उसके बाद रेडी होऊंगी। थंबनेल देख करके तो आप समझ गए होंगे, टाइटल देखकर भी समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किन पर होने वाला है। आज मैं आपको एक बहुत ही अमेजिंग पर्सनैलिटी से मिलाने वाली हूँ। मेरे लाइफ की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, उसके बारे में भी बताऊंगी आगे चलकर। पहले फिलहाल मैं चाय पी लेती हूँ, तब तक चाय पीते पीते ये बाल भी सूख जाएंगे, रेडी हो जाती हूँ, फिर बकबक करती हूँ। छोटू से मिल लो, गुड मॉर्निंग बोल दो बेटा। ओ अच्छा, आपने ब्रश नहीं किया इसलिए आप मुंह नहीं दिखाओगे, ये क्या बात हुई? ठीक है मत दिखाओ। घर से निकलते ही सबसे पहला मेरा काम होता है शंभुनाथ जी के दर्शन। रेडी होकर के निकल चुके हैं अभी, और अभी थोड़ी देर में हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच भी जाएंगे। और आज का सारा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक तो होने ही वाला है, लेकिन अच्छा भी होने वाला है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम जो काफ़ी सालों से मेरा पेंडिंग होकर के रखा है, अब ऐसा लग रहा है कि फाइनली पूरा होने वाला है। तो क्या है वो काम, वो तो मैं बताऊंगी अभी, पहले हो जाए मेरा काम। क्योंकि ना मेरा ऐसा बहुत बार होता है कि कुछ प्लानिंग करके रखते हैं, काम कुछ होना होता है ना तो अटक जाता है, तो इसीलिए इस बार फर्स्ट मेरा काम हो जाए तो मैं आप सबके साथ, तो मेरा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा हर कुछ ही मैं शेयर करती हूँ। तो ये, और ये इतना बड़ा इवेंट है तो ये तो मुझे शेयर करना ही है। अच्छा, कोलकाता की गर्मी के बारे में ज़रा सा बता देती हूँ। कुछ कह ही नहीं सकते, मतलब कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। इतनी गर्मी, ओ माय गॉड, मतलब ठंडी ठंडी शिलोंग से सीधा आकर के ऐसा लगता है ना किसी ने वॉल्केनो वाले एरिया में पटक दिया हो। तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा गर्मी है। तो अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए हम सीधा चलते हैं डेस्टिनेशन की तरफ। देखा, पलक झपकते ही पहुँच गए ना। जी हाँ, मुझे यहीं पर आना था। ये मैं बता देती हूँ कि मैं कहाँ पर आई हूँ और क्यों आई हूँ। रुको रुको बताती हूँ, थोड़ा सा तो धीरज रखो, इतनी भी क्या जल्दी। ये देखो, पोस्टर देख करके तो सबको समझ में आ ही गया होगा। जिन्हें नहीं समझ में आया या जो नहीं पहचानते हैं उनको मैं बता देती हूँ, ये है मेरे गुरुजी शिवानंद बाबा। इनके बारे में मैं आगे भी डिटेल्स में बताऊँगी। ये इनको मैं इनके कोलकाता वाले घर से लेने के लिए आई हूँ। ले करके मैं इन्हें जाऊँगी अभी मेरे क्या बोलते हैं, मेरे मदर इन लॉ, मतलब मेरी सासू माँ के मायके में, जहाँ पर इनके ऑनर में 3 दिन का एक महाउत्सव रखा गया है जो कि संडे तक चलेगा। तो जो दर्शालु या श्रद्धालु जिनको इनके दर्शन करने हो वो आ सकते हैं वहाँ पर। और जो आना चाहते हैं मुझे मैसेज करिए, मैं मैसेज में कमेंट करिए, मैं कमेंट में बता दूंगी कि ये कहाँ रुके हुए हैं। इनके बारे में जितना कम, मतलब जितना भी बताया जाए कम है। तो वीडियो में बने रहिए, मैं बताती हूँ धीरे धीरे सब कुछ, और जिन्हें पता है वो भी फिर से सुन लेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है ना। चलते चलते माँ गंगा जी के भी दर्शन कर लीजिए। शहर से दूर गांव तक तो पहुंच गए हैं, अब बस कुछ ही मिनटों में घर भी पहुंच जाएंगे। और ये देखो, दो हीरो हमें एस्कॉर्ट करके लेकर के जाने के लिए आ गए हैं। जी नहीं, ये हमें, मतलब मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए नहीं आए हैं, ये आए हैं गुरुजी को लेने के लिए, उनको रास्ता दिखाने के लिए। वो देखो, पीछे उनकी गाड़ी आ रही है, तो सेफली इन दोनों की जिम्मेदारी है उन्हें घर तक लेकर के जाने की। फाइनली हम लोग गांव में तो पहुंच गए हैं, बस अभी 2 मिनट का रास्ता है। और यहाँ पर बाबा के स्वागत का इतना अच्छा अरेंजमेंट हुआ है ना, और एकदम डिफरेंट टाइप का अरेंजमेंट हुआ है, मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा लगेगा देख करके। ये देखो, सब लाल सफेद साड़ी पहन के।
कुछ इस तरह से दोस्तों इनका यहाँ पर स्वागत किया गया। मेरी सासू माँ ने इनके पैर धुलाए, इनकी आरती उतारी और अब हम सब एक एक करके इनके आशीर्वाद ले रहे हैं। अभी तो पूरा दिन बचा है, आज का पूरा दिन, तीन दिन तक इनके साथ ही स्पेंड होने वाला है। ये सारा अरेंजमेंट बेसिकली मेरी माँ, मतलब मेरी सासू माँ और इनके बड़े भैया यानी कि मेरे बड़े मामा ससुर ने और साथ में मिलकर घर के सारे जितने भी, मतलब सारे मेरे रिलेशन में सास ससुर ही होते हैं यहाँ पर, मामा ससुर, मामी सास, ये सब ने मिलकर के अरेंजमेंट किया है। मेरे बाद मिष्टी को भी मैंने बोला कि आओ प्रणाम कर लो। ये थोड़ा सा मतलब इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती है, पर मैं इंसिस्ट करती हूँ इसको कि आओ करो, क्योंकि बच्चों को हम जैसा छोटे से सिखाएंगे वो वैसे ही संस्कार लेकर के बड़े होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे ये सब कुछ देखे और सीखे। फॉलो करना या ना करना ये उनके ऊपर है, ज़बरदस्ती मैं नहीं करती हूँ, पर स्टिल मैं चाहती हूँ कि वो भी इन्वॉल्व हो। और अब आगे भी देखते जाइए हमने कैसे इनका, मतलब इनके साथ टाइम स्पेंड किया और इन्होंने काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हमें, मतलब बहुत ही मोटिवेशनल बात। और हर एक का कोई ना कोई आइडल होता है ना लाइफ में, तो अभी फ़िलहाल मतलब जब से मैंने इनको देखा है, इनके बारे में सुना है, मेरे आइडल है ये। হাতে গুনেন বাবা, একাদশীর নাম গুনে বলবে চব্বিশটা নাম। অজা, রমা, পদ্মা, इन जनाब को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। ये एज़ यूजुअल मस्ती इधर उधर दौड़म दौड़ी भागा भागी कर रहा था ना, तो मैंने इसको पकड़ के यहाँ पर बाबा के पास बिठा दिया और पता नहीं बैठा तो था, फिर कब भाग के चला गया मेरी नज़रों से दूर, मुझे खुद भी समझ में नहीं आया। सारे घर वाले एक साथ यहाँ पर बैठे हैं, उनकी बातें सुन रहे हैं। उनको तो आप पहचानते हो, वो मेरी मदर इन लॉ है। यहाँ पर दोपहर के भोग का, मतलब लंच बोल लो या भोग प्रसाद बोल लो, उसका प्रिपरेशन चल रहा है। पूरा प्योर वेज होने वाला है ये 3 दिनों तक, और सब्ज़ी वगैरह सब कुछ बन गया है, चावल बन रहा है, सैलड कटेगा, तो ऑलमोस्ट रेडी है खाना। चीनी चाय का बंदोबस्त करा जा रहा है यहाँ पर। और कैसे लगे बाबा जी आपको, सबको? आप तो सब जानते ही होंगे उनके बारे में, मैं डिटेल्स में बताऊंगी सारा सब कुछ। मैं आप वीडियो में बने रहिए, आपको मैं बताऊंगी। जिनको नहीं पता है, मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो अबाउट बाबा, और क्या ही मैं बताऊं इनके बारे में, अलग से तो कुछ बताया नहीं जा सकता है। सभी ना नीचे बाबा के साथ बहुत ज़्यादा बिजी थे और यहाँ मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो मैंने आकर के खुद से ही खुद की चाय बना ली और बाबू ने मुझे बता दिया यहाँ दूध है, यहाँ चीनी है, यहाँ पानी है, तो आप बना लो अपनी चाय। मैंने बना ली मेरी मस्त वाली चाय। वो मंदिर है, मंदिर के आंगन में वहाँ पर बाबा को बिठाया गया है और ये चारों तरफ यहाँ पर खाना प्रसाद वगैरह बना रहे हैं। ये अरेंजमेंट है यहाँ पर खाने का, और वहाँ सब जितने डिवोटीज़ आएंगे या आ रहे हैं वहाँ पर बैठ के वो लोग को खाने का अरेंजमेंट है। मैं ना नीचे से मैं आपको ये पूरा घर दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर नीचे पंडाल बना हुआ है तो इसलिए पॉसिबल नहीं हुआ। तो मैंने मेरे देवर को बोला कि प्लीज़ छत पे से अच्छी सी क्लिपिंग्स निकाल दो। तो ये टॉप व्यू है इस घर का। और आपको मैं बताऊँ, ये जो घर है मेरे सासू माँ का मायका, ये भी काफ़ी पुराना मतलब शायद से 200-300 साल पुराना ज़मींदारों वाला घर है। अभी तो इन्होंने अपने अकॉर्डिंगली इसको रेनोवेट किया है, थोड़ा मॉडर्नाइज करके रेनोवेट किया है, वरना ये है पूरा टिपिकल ज़मींदारों वाला घर। मैं कभी दिखाऊंगी जब भीड़ कम हो, जब ऐसे फंक्शन के
मौके पर ना दिखाया नहीं जा सकता, तो इसके ऊपर मैं कभी और बताऊंगी। ये मेरी सासू माँ का किचन है यहाँ पर, और आज बाबा का सारा भोग, आज तो एकादशी है तो उनका सारा अरेंजमेंट ना यहीं पर हुआ है। क्या क्या हुआ है मुझे पता नहीं है, अभी तक मैंने देखा नहीं है, हम नहीं छू सकते, जब खाएंगे शायद तब पता चलेगा। अभी इनके लंच का टाइम हुआ ना, तो इनको हम लोग ऊपर लेकर के आए हैं, और ये थोड़ी देर अभी यहाँ ऊपर रेस्ट करेंगे, उसके बाद खाना खाएंगे। तो मीनवाइल हम अपना लंच फिनिश कर लेते हैं। और लंच में मैंने जैसे बताया कि बहुत ही सिंपल लंच, वेज लंच है हमारा, तो हो गया है लंच, बाबा का अभी तक हुआ नहीं है, 3 बजे खाएंगे वो, इतना डेडिकेशन है उनका। और यहाँ पर आज जो प्रसाद बना है बहुत टेस्टी है, कल मेन फंक्शन है। देखो अभी ऑलमोस्ट 3-5 बज गया है, और एक के बाद एक सब आते ही जा रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज़ देख कर के इतनी हैरान हूँ कि बाबा जो सुबह से मैं इनको देख रही हूँ ना, ये बैठे हुए हैं और इतने काम एंड क्वाइट, इनको इतनी एनर्जी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। इनकी उम्र आपको पता ही है 126, लेकिन मैं टायर्ड हो गई हूँ, मेरे कमर में दर्द हो रहा है, मुझे नींद आ रहा है, खाने के बाद मुझे नींद आ रहा है, मुझे मन कर रहा है कि बिस्तर पे सो जाऊं, लेकिन ये कंटिन्यूसली एकदम से आराम से बैठे भी हैं, सबसे बातें कर रहे हैं, हर एक के मन में जो सवाल उठ रहे हैं सबके जवाब भी दे रहे हैं। आज तो इतना है, कल मैंने अभी तक जो सुना है, कल ऑलमोस्ट 600 जितने लोग से मिलेंगे, ये अप्रॉक्सीमेट है, कल आने पर पता चलेगा 600 या अबव 600। The hats off to his energy level. बाबा के खाने का अरेंजमेंट हो रहा है। आज एकादशी है, तो बाबा तो एकादशी करते ही हैं गुरुजी, और उनके साथ उनके जो कुछ खास भक्त हैं जो उनके साथ ही रहते हैं, ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर, वो भी एकादशी का पालन करते हैं। मेरे सास ससुर भी एकादशी करते हैं, तो खाना उसी अकॉर्डिंगली आज बनाया गया था। नो राइस, नो वीट का कोई, ये जो सफ़ेद सफ़ेद खीर जैसा दिख रहा है ये श्यामा बोलते हैं इसको, और इतना सारा खाना, सब कुछ फल दूध दही छेना सब कुछ है, पर बाबा सिर्फ यही खाते हैं, ये श्यामा और ये आलू की सब्जी एकादशी में। और नॉर्मल वाले दिन भी वो सिर्फ 3 मील ही खाते हैं सुबह, मुझे सुबह का कल पता चलेगा, दोपहर को इतना सा ही राइस और सब्जी, और रात को सिर्फ बार्ली, और सोते भी हैं शायद से 3 से 4 घंटे, सुबह 3 बजे उठते हैं, योगासन करते हैं, यही उनकी तंदुरुस्ती और फिटनेस का राज है। और आप सबको पता ही होगा ना कि इनको अभी कुछ ही दिन पहले पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो देखो कितने चुस्त और फुर्तीले हैं, इनकी उम्र 126 कोई बोलेगा, मेरी तो अभी इस उम्र में ही मेरी मतलब कमर टूटी हुई लगती है, गर्दन टूटी हुई लगती है, माइग्रेन का पेन आ जाता है, ज़रा सा हेक्टिक शेड्यूल हो जाए तो गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बात पर, लेकिन ये देखो कब से बैठे हुए हैं, कितने लोगों से मिल रहे हैं, कितने लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं, ना गुस्सा ना झुंझलाहट ना चिड़चिड़ाहट ना थकावट, मतलब हैट्स ऑफ है, तभी तो ये मेरे गुरुजी हैं। बहुत सारा होता है, लेकिन इस बार थोड़ा कम ही हुआ है, हुआ ही नहीं है इनफैक्ट। आम की बात कर रही हूँ मैं, आम जा भी ना। जी मैं तो घर आ गई हूँ वापस, अभी 5:45 बज गए हैं, और प्रियांशु को वहीं पर रख कर आई हूँ क्योंकि कल फिर से जाना है, और कल वहाँ पर उत्सव है, कल काफी सारे लोग आने वाले हैं,
तो मुझे यहाँ पर घर में कुछ काम था, परिणीता का मतलब मिष्टी का कल क्लासेस है उसके स्कूल से, कल बुक्स भी मिलने वाले हैं तो वो भी कलेक्ट करना था, और भी बहुत सारा काम था तो मैं रुक नहीं पाई। मैं कल फिर सुबह जाऊंगी, और अभी फ़िलहाल ना मुझे आ रही है भयानक नींद, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं 20-25 मिनट तक एटलीस्ट थोड़ा सा सो जाती हूँ, फिर गर्मा गर्म चाय लेकर के आपके साथ मिलती हूँ। गुड इवनिंग दोस्तों, शाम के 7 बज गए हैं और शाम के 7 बजे गर्मा गर्म समोसे के साथ गर्मा गर्म चाय, और क्या चाहिए, बस इसी तरीके से खाते पीते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। और वेट के बारे में हम और 2-3 दिन बाद से बात करेंगे, उसके बारे में भी उसका इलाज भी करा जाएगा, अभी फ़िलहाल और 2-3 दिन हाथ में है ये सारा बिंज ईटिंग करने का, तो जब हाथ में टाइम है तो खा पी लिया जाए। और पहले चाय पी लेती हूँ क्योंकि फिर ठंडी हो जाएगी चाय। तो दोस्तों रात के 10 बज चुके हैं, काफ़ी लेट नहीं हुआ है, पर मुझे आज आ रही है बहुत भयानक नींद। सुबह जल्दी उठी थी और कल भी सुबह बहुत ही ज़्यादा जल्दी उठना है, मतलब 8 बजे के अंदर मुझे वहाँ पर पहुँचना है, तो आज तो मैं वापस आ गई हूँ और कल का दिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कल काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आने वाले हैं, तो मुझे माँ ने बोल दिया था वहाँ पर कि जल्दी जितना जल्दी हो सके आ जाना, तो 8 बजे का टाइम लिमिट मुझे मिला है। पापा ने भी वार्निंग दे दिया है कि जल्दी से आना है, तो अभी सो जाएंगे। और आज का व्लॉग यहीं तक, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर। मैंने आपको शिवानंद बाबा के बारे में जितना हो सका मुझसे बताया, जितना हो सका उनका लाइफस्टाइल को मैंने एकदम पास से दिखाने की कोशिश की, कितने जेंटल है वो और कितने मतलब उनका लाइफस्टाइल कितना सिंपल है ये सब। तो चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपसे कल फिर मिलती हूँ, बाय बाय एंड टेक केयर।